बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक भावुक लेटर लिखा है। आपको बता दें, समाचार पत्रों में प्रियंका गांधी का यह लेख छपा है और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर यह लेख है। यूपी सरकार की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और दमनकारी बताया। लेख में प्रियंका ने किया उन्नाव कांड का भी जिक्र। लल्लू संघर्ष, संपर्क और संवाद की राजनीति में करते हैं विश्वास। संघर्ष और पीड़ा को लल्लू ने स्वयं जीवन भर झेला है। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, बचपन में सड़क पर ठेला लगाते थे अजय लल्लू। आर्थिक मुश्किलों के कारण दिल्ली में अजय लल्लू को करनी पड़ी थी मजदूरी। अजय लल्लू जनता का आदमी जो है सर्वसुलभ। लॉकडाउन में अजय लल्लू के नेतृत्व में लाखों लोगों की मदद हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर जिले का दौरा कर चुके हैं लल्लू। अन्याय और दमन के बाद भी निडर अडिग हैं अजय लल्लू। ये तमाम बातों का जिक्र प्रियंका गांधी की तरफ से हुआ। महात्मा गांधी के भारत के सच्चे नागरिक हैं अजय कुमार लल्लू। आपको बता दें कि इंसान के हकदार, इंसाफ के हकदार लल्लू, उनके साथ न्याय होना चाहिए। प्रियंका गांधी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र अपने लेख में किया गया है, जो कि एक भावुक लेख कहा जा सकता है। आज के समाचार पत्रों में छपा है, प्रियंका गांधी की तरफ से ये लेख दिया गया, अजय कुमार लल्लू के फेवर में ये पूरा लेख छपा है। तो समाचार पत्रों में प्रियंका गांधी का ये लेख छपा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर यह लेख लिखा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यह भावुक लेख है। दरअसल इस पूरे लेख की अगर बात करें तो काफी इमोशनल ये पूरा लेख है। उन्नाव रेप कांड, जिसमें बलात्कार पीड़िता को बलात्कारियों ने जिंदा जला दिया, हम सबको झकझोर कर रख दिया था। यह लेख जो लिखा गया है वो मैं आपको सुना रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने लिखा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी। ठंड और कुहासे से भरी एक सुबह हम उन्नाव के लिए निकले। कार के अंदर माहौल उदास था। जिस परिवार से हम मिलने जा रहे थे उसे हिंसा ने उजाड़ दिया था। तो ये पूरी तरह से एक इमोशनल, एक भावुक लेख पूरी तरह से लिखा है। प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया में। सर, जिस तरह अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई और अभी लगातार जेल में है, प्रियंका गांधी की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया, आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहेंगे। श्री लल्लू के बारे में पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये देश सबसे बड़े दूसरे दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, जो सबसे बड़ा प्रदेश है। जिस तरह, जिस ढंग से और जिस बदले की भावना से अहंकार में डूबकर गिरफ्तारी की गई है, उससे अपने आप को कोई भी होगा। क्या था, हमने 1000 बसे हमारे नेता आदरणीय प्रियंका जी ने ऑफर की कि आप जो चल रहा है आपका राहत कार्य, इसमें हमारा भी सहयोग ले लीजिए। मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि ठीक है, आप इस तारीख को तो भिजवा दी, हमने भिजवा दी। कोई हम ट्रांसपोर्टर तो है नहीं, तो हमको पैसा तो दिया नहीं है आपने। हमने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था और सहयोग न करके आप हमें गिरफ्तार कर लो, ये कहे उसमें बसे नहीं, ये नहीं, जबकि सब असिस्ट थी। तो ये तानाशाही में तो होता है पर लोकतंत्र में नहीं होता। और जिस तरह से किया गया, उनको जिस तरह का जीतते हुए ले जाया गया आगरा में, आगरा से उनको यहाँ लाया गया, उन्हें मौका देते आप खातू में कि ऐसे व्यक्ति बेल ले सकते, वो उसको क्रैश करा सकते, आप उनको जैसे कोई अपराधी को पकड़ के आप लाए। तो ये निश्चित रूप से शर्मनाक, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण है। तो उस पर जो पत्र लिखा है आदमी प्रियंका जी ने, वो एक महामंत्री प्रभारी का एक उचित लेख है। प्रमोद जी, और साथ ही साथ देखा जाए, लगातार कोशिश भी की जा रही है भावुक लेख लिखने के, कि एक का एक मंतव्य ये भी है कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे, सरकार अजय लल्लू को जल्द से जल्द रिहा करे। अभी तक क्या कानूनी तौर पर कोशिशें चल रही हैं या क्या ग्राउंड पर कोशिशें हैं? अजय लल्लू कब तक बाहर आ सकते हैं, क्या कोशिशें चल रही हैं? देखिए, अजय लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लीगल ओपिनियन हमने ली है और लीगल ओपिनियन के साथ बेल मूव किया है
और आज लगी है, मुझे पूरी उम्मीद है अगर सरकार भागेगी तो आज जमानत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह तीन बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सरकार ने समय लिया है जी। और फिर कह दू मैं तो पेशे से वकील हूँ, जो दफाएं लगाई गई है वो झूठी है, बेबुनियाद है, बकवास है, सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करने वाली। मुझे जस्टिफिकेशन अरेस्ट कर ये दें कि ऐसी कौन सी दफा लगी थी, ऐसा कौन सा क्राइम किया था जो देश हो गए भाग जाते, अपने आगरा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज रहे। तो ये बदले की भावना से देश और अहंकार की अहंकार तो रोमांच नहीं रहा सरकार का भी किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो प्रियंका गांधी का ये लेख है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अजय लल्लू की रिहाई की मांग करते हुए वो पूरा भावुक पल लिखा, जिस तरह से संघर्ष में जीवन अजय लल्लू का रहा, उन सारी चीजों को यहां पर रखते हुए नजर आया अजय लल्लू अन्याय और दमन के बाद भी निडर अडिग है। महात्मा गांधी के भारत के सच्चे नागरिक हैं अजय लल्लू। प्रियंका गांधी की तरफ से इन बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि इंसाफ के हकदार हैं लल्लू, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो बचपन में सड़क पर ठेला चलाते थे अजय लल्लू और यूपी सरकार की कार्रवाई को अब प्रियंका गांधी की तरफ से अलोकतांत्रिक और दमनकारी बताई गई है।